हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर शैडो। आज का हमारा टॉपिक है सेशन लिक्विडिटी। जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में देख रहा था तो मोस्ट कमेंटेड आया था कि सेशन लिक्विडिटी पे एक वीडियो लाओ। तो सेशन लिक्विडिटी आज हम इस टॉपिक आज इसमें हम क्या करेंगे, सेशन लिक्विडिटी को कवर करेंगे। तो चलो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते। देखिए, हमारे सेशन के कई तरीके से इंडिकेटर्स मिलते हैं। आपको जो सही लगता है आप वो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना यूज करता हूँ ये वाला एशियन सेशन रेंज। एक होता है हमारा एफएक्स सेशन रेंज। ठीक है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, फर्क सेम करता है, किसी में कोई नहीं। आपको जो सा कंफर्टेबल लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो हम ये यूज करते हैं एशियन सेशन रेंज, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ पे ऑफ ट्रेडिंग भी फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हैं। एफएक्स सेशन मार्केट भी आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों फ्री है, अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे। ओके, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। आपको पहले इंडिकेटर बता दिए, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेशन को किस तरीके से हम यूज करते हैं, देखो जनरली इसमें हमारे जो सेशन होते हैं इसमें कौन कौन से दिखाए जाते हैं, एशियन लंडन न्यूयॉर्क, एशियन लंडन न्यूयॉर्क। टाइमिंग आप सभी को पता है, एक क्लोज होगा 12:30, एक होता है 5:30। ठीक है, तो उनको हम किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आपको याद रखना है। तो जनरली आज हम कितने टाइप्स की बात कर रहे हैं, थ्री टाइप्स की सेशंस की हम बात कर रहे हैं, थ्री। ठीक है, तीन टाइप्स के हमारे सेशन है, याद रखना ये जो थ्री टाइप है, 1+2। अब ये 1+2 लिखने का मतलब है दो सेशन एक जैसा चलता है और एक उनके खिलाफ जाता है। मतलब अगर दो आपके बाय गए तो तीसरा आपका सेल आएगा। पहला आपका बाय गया था, मान लीजिए पहला बाय गया, दूसरा आपका सेल आया, तो तीसरा क्या आएगा, सेल। क्यों? बिकॉज आपके सामने लिखा है 1+2, तो इसमें से क्या है, एक उसके उल्टा जाता है, जिसको आप बोलते हैं किलिंग सेशन। मतलब किलिंग सेशन का मतलब होता है, मान लीजिए एसी आपको ओपन हुआ, बाय गया। ठीक है, अब ये बीच का टाइम था, अब लंदन आपको ओपन हुआ, लंदन आपका बाय गया। अब न्यूयॉर्क जब ओपन होगा वो क्या आएगा, आपका सेल। कहां तक, एटलीस्ट आपका एशिया का लो मार्केट क्या करेगा, लेके जाएगा। तो एक बात याद रखना, वन सेशन विल बी मैनिपुलेट, एक सेशन आपको क्या करेगा, मैनिपुलेशन करता ही करता है। अगर दो आपके बाय है तो तीसरा आपको क्या जाएगा, सेल। एंड पहला अगर आपका, फॉर एग्जाम्पल, पहला आपका बाय गया, ठीक है, दूसरा आपका सेल आया, तो तीसरा क्या जाएगा, सेल ही। तीसरा सेल क्यों आएगा, बिकॉज एक ऊपर चला गया है, एक ऑलरेडी बाय है, तो दो क्या होंगे आपके, सेल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और देखनी है। ये नहीं कि हाँ पहला ऊपर गया दूसरा नीचे आया तो आप सोचो क्या तीसरा ऊपर जाए, नहीं। क्योंकि एक किलिंग सेशन होता है, तो एक किलिंग सेशन हमारा कौन सा था, ये जो बाय चला गया। फिर जब हमारा लंदन ओपन हुआ, यहाँ से लंदन ने क्या करा, ड्रॉप। मतलब एक बाय गया एक सेल गया, तो अब चांसेस क्या, न्यूयॉर्क के ड्रॉप। ठीक, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एंड दूसरा क्या देखना है, अगर मान लीजिए ये एशिया का हाई है, एशिया सेशन का हाई एंड लो आपने मार्क किया अभी। ठीक है, अभी लंदन ओपन हुआ, लंदन ने क्या करा, इसके हाई को सिर्फ स्विप किया, हाई को ऊपर एक विग मार के स्विप किया और क्लोजिंग क्या करा, हाई से नीचे दे दी। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग करनी है। दिस इज रिवर्सल इंडिकेशन कि मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्सल दे रहा है। एटलीस्ट इसके लो तक मार्केट क्या कर रहा है, आप लोगों को रिवर्सल दे सकते हैं। ये इसका स्ट्रोंग साइन है कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, आप लोगों का रिवर्सल जा सकता है। स्ट्रोंग इंडिकेट होता है ये आप लोगों का। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है स्वीप करने पे। ठीक है, अभी स्वीप का मतलब आप सभी को पता है, हाई को ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ एक विग ऊपर मारेगा, कैंडल नीचे क्लोज रहेगा। ओके, एंड अगर कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है, फॉर एग्जाम्पल हाई जैसे कि आपका ये था, इससे ऊपर क्या करा, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। जनरली आपको क्या वेट करना है, मार्केट एक बार इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम इधर बाय करेंगे एज पर 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल। ठीक है, या 24 एंट्रीज पे हम क्या करेंगे अपनी ट्रेड लेंगे इस सिनेरियो पे। ओके, बट कब, जब हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट को यहाँ पे ले ले, विदाउट इंड्यूसमेंट हम नहीं लेंगे, बिकॉज इधर लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर एशिया का हाई को लंदन क्या करता है, स्वीप करता है, देन यू कैन टेक अ डिसीजन फॉर सेलिंग, लाइक अ सिंगल कैंडल या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इन लेवल्स पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एंट्री ले सकते हो। बट अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन यू कैन वेट कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले। आफ्टर इंड्यूसमेंट अब क्या करेंगे, अपना एआईओ को ड्रॉ करेंगे, उसमें हम ट्रेड लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी तो साथ में भी आप लोगों को एक क्लियर हुआ नहीं होगा, अगेन एक बार इसको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका एशिया सेशन ओपन हुआ, यहाँ फॉर एग्जाम्पल एशिया सेशन था। ठीक है, ये एशिया का यहाँ से चल रहा था, एशिया का ये हाई था। ठीक है, ये हाई था। अब बीच में हमें टाइम मिलता है, 12:30 एशिया क्लोज होता है, बीच में एक टाइम रहता है। फिर ओपन हुआ आपका लंदन, लंदन ने क्या करा,
इसके हाई से ऊपर एक बिग मार। लंदन ने क्या करा, इसके हाई से ऊपर क्या मार ली, एक बिग मार ली लंदन ने, इसके हाई से ऊपर क्या करा, एक बिग मारी, सिर्फ क्लोजिंग क्या करा वापस, क्लोजिंग नीचे दे दी यहाँ पे आके, एक विग ऊपर करी। तो जो ये ऊपर है ना, ये आपका क्या बन गया, लाइक का पीआई। जब मार्केट इधर आएगी, यू कैन टेक अ डिसीजन फॉर सेल बिकॉज स्वीप किया है। बट अगर स्वीप नहीं करता है लंदन, सिंपल इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, लंदन के रहते हैं इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन यू कैन टेक वेट, मार्केट इंड्यूसमेंट ले, आफ्टर इंड्यूसमेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय करेंगे। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर तो क्लोजिंग देता है तो उसका सिग्नल होता है कंटिन्यूएशन पर। क्या होता है सिग्नल, कि मार्केट कंटिन्यूएशन देगा आपके लिए। अगर मार्केट ये आपका, जैसे एशिया आपका बाय जा रहा था और लंदन ने उससे ऊपर क्लोजिंग दी, तो इसका मतलब है कंटिन्यूएशन की, लंदन क्या देगा, इससे ऊपर बाय देगा। ओके, एंड अगर स्विप करता है तो यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा हूँ, रिवर्सल का। एंड थर्ड वन, अब याद रखना दोनों सेशन आपके क्या हुए, बाय गए। अब तीसरा सेशन आपको ओपन हुआ, तीसरे ने क्या करा, लंदन से ऊपर आपको क्लोजिंग दे दे। तो लंदन से ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये गलती मत करना कि आप वेट करो कि इंड्यूसमेंट लेगा हम बाय करेंगे, ठीक है, ये गलती मत करना। यहाँ पे ट्रैप करेगा और आपको सेल उड़ा रहे, बिकॉज दो सेशन आपके क्या हो चुके हैं, बाय बाय, तो तीसरा क्या होगा, सेल। अब न्यूयॉर्क क्या बन गया आपका, किलिंग सेशन। तो ये चीज याद रखनी है, न्यूयॉर्क में क्लोजिंग मैटर नहीं है, चाहे न्यूयॉर्क क्लोजिंग मैटर कर रहे हैं या कुछ भी कर, अगर न्यूयॉर्क स्विप कर रहा है तो ये तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट डाउन जाएगा ही जाएगा। बट ये चीज याद रखना, अगर क्लोजिंग ऊपर दे दी तो ये गलती मत करना आप लोग, कि आप लोग इंड्यूसमेंट के बाद क्या करो, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन होल्ड करो, बिकॉज आपको क्या हो सकता है यहाँ पे ट्रैप, आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। बिकॉज ये सेशन ये एक किलिंग सेशन बना, क्योंकि ये ऑलरेडी बाय था, ये भी बाय था, तो ये क्या जाएगा आपको सेल। शुरू में ही बता दिया था, वन सेशन विल बी मैनुपुलेट। मैनुपुलेट ज्यादातर कौन सा करता है हमारा, एशिया या न्यूयॉर्क। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेल। तो चलो चार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपका ये क्या हो जाएगा, इजी वे से क्लियर हो जाएगा। हम चार्ट की तरफ देखते हैं किस तरीके से इसका हम वर्क करते हैं। ओके, तो बात आ रही थी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी आपको जैसे बताया था, क्लियर दिख रहा है हम लोगों को, हमारा मार्केट में क्या किया, ये हमारा क्या था, बाय था, ये सेशन हमारा क्या था, बाय गया। और इधर अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने क्या किया, इसका लो ये था, हमारा एशिया सेशन का लो ये था, लो को स्विप किया मार्केट ने, क्या किया हमारे लो को स्विप किया, तो बाय भी गया है। बट याद रखना ये बात, अभी क्या है, ये सेशन क्या आप लोगों का बाय, तो ये क्या आया आपका सेल, तो ये क्या होगा आपका सेल, क्योंकि एक मैनुपुलेट हो गया। बट अगर यहाँ क्या होता, ये भी आपका बाय होता, ठीक है, और ये भी आपका क्या होता बाय, ये वाला सेशन भी क्या होता आपका बाय, तो ये क्या जाता आपका तीसरा सेशन सेल। बट इधर क्या हुआ आपका उल्टा, ये बाय गया, ठीक है, और ये आपका क्या हुआ सेल, एक बाय हो गया, एक सेल हो गया, दूसरा तीसरा क्या होगा आपका सेल, बिकॉज मैनुपुलेट कौन सा हो गया आपका, एशिया सेशन आप लोगों को क्या हो चुका है, मैनुपुलेट है हो चुका है, एक सेशन मैनिपुलेट करेगा, जैसे कि आपको शुरू में बताया था, ये बाय गया है और लंदन सेल हुआ तो न्यूयॉर्क क्या होगा सेल। बट जैसे ये बाय गया, लंदन बाय गया, तो न्यूयॉर्क क्या होगा सेल। और अगर ये सेल होता, मान लीजिए ये आपका सेल होता, लंदन आपका सेल होता, तो न्यूयॉर्क क्या जाएगा आपका बाय। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, अगर कैंडल क्लोजिंग दे देती है, अगर तो जस्ट यहाँ पे क्या करता, इसके लो को स्वीप करता, कोई भी इसके लो को क्या करता, स्वीप करता, इसके लो को क्या करते ही स्वीप, खाली एक विग नीचे मारता और बॉडी क्लोजिंग ऊपर देता, खाली स्वीप करता, देन हम क्या करते यहाँ पे बाय, सॉरी हाँ यहाँ पे हम क्या करते बाय, क्योंकि इंडिकेशन है आपके रिवर्सल के लिए। बट एक्चुअल में क्या हुआ है, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दिए, तो जैसे आपको प्रीवियस में अभी बताया था, अगर कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देती है, देन हमें किसका वेट करना है, मार्केट एटलीस्ट हमारा क्या करे, इंड्यूसमेंट, क्या ये इंड्यूसमेंट है हमारा, नहीं, बिकॉज दिस इज इनसाइड इंड्यूसमेंट का हमारा, ये वाला हमारा क्या है अभी इसमें इंड्यूस, सॉरी ये क्या है हमारा इंड्यूसमेंट है, तो अभी मार्केट क्या करे, एटलीस्ट इंड्यूसमेंट ले, देन वी कैन टेक अ डिसीजन एंड मिटिगेट विग, बिकॉज ऊपर क्या है ऑल आर मिटिगेट, एंड सिर्फ एक्सट्रीम वन वाला ये वाला जोन बचा है, दो जोन हमारे पास अवेलेबल अवेलेबल है, एक विग वाले, ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास इसके बाद कौन सा जोन बचता है, ये जोन क्या है हमारे पास इसका बचा हुआ है फॉर सेलिंग सिनेरियो, ठीक है, इंड्यूसमेंट अगर मार्केट लेता। बट अगर मार्केट नया क्रिएट करता है इंड्यूसमेंट के लिए लिया है, तो हम क्या करेंगे, किस लेवल पे हम अपना सेलिंग पोजीशन को फाइंड करेंगे, डिपेंड ऑन कि हमारा इंड्यूसमेंट किधर है और किस तरीके से हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्या करेगा,
वर्क करेगा, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी जो हमारे एंटीबायोटिक किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा और किस तरीके में मार्केट का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो जनरली हमारा ये क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सेशन लिक्विडिटी को 5 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। और सब में क्या होता है, अलग अलग वे से हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें देखना। अगर इसको डीपली तरीके से आप लोगों को सीखना है, देन यू कैन ज्वाइन अवर मिस्टर शैडो मेंटरशिप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस तरीके से आप हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और नए नए ऑफर्स एंड सिग्नल्स एंड एसएमजी की न्यू वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो या उसके चार्ट रीडिंग करना चाहते हो, देन आप लोग हमारे पब्लिक चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इधर हम जैसे देख सकते हैं अभी हमारा इंड्यूसमेंट ये है, तो अगर यही इंड्यूसमेंट रहता है देन हम क्या वेट करेंगे। ओके, मार्केट ने क्या किया, जस्ट हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्या किया, इधर इंड्यूसमेंट हमारा मार्केट ने ले लिया। मार्केट ने क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया। यू कैन टेक अ डायरेक्ट सेल फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेल और एटलीस्ट टारगेट इसका लो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्ट सेल ले सकते हैं। डायरेक्ट सेल लेने के बाद अब यहाँ पे सीनेरियो आता है 1 मिनट वाला। 1 मिनट में भी हम सिंगल कैंडल लेवल पे भी एंट्री लेंगे, एंड सेकेंड वन हम किस पे लेंगे, चौक बेस एंट्री अगर इधर मिलती है। बट जैसे 5 मिनट के जोन है तो काफी कम एंट्रीज मिलती है 5 मिनट के लेवल्स पे, बट अगर हमें मिलेगी देन वी कैन टेक अ ट्रेड, अगर नहीं मिलती तो हम रह जाएंगे। और दूसरी हम कौन सी लेंगे, इस जोन को जैसे अभी मार्केट ने क्या किया है, टैप किया है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिंगल कैंडल एंट्री। कोई सिंगल कैंडल एंट्री मिलती है हमें तो सिंपल हम 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं। तो अगर हम इधर देखेंगे सिंगल कैंडल एंट्री अगर हमें फाइंड करनी है इधर, तो आप देख सकते हो पीआईओ को टैप किया है इस वाली कैंडल ने, इसने इसके हाई को शिफ्ट किया और नीचे क्लोजिंग दिए, और इससे नीचे भी क्लोज नहीं किया। कोई कैंडल क्या करे, इससे नीचे कोई कैंडल क्या करे, हमें क्लोजिंग दे। इस वाली कैंडल से नीचे अभी क्या दे हमें, कोई क्लोजिंग, सॉरी इससे नीचे क्लोज नहीं। ओके, मार्केट ने क्या किया, वेट अ मिनट, इससे नीचे अब हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग। और जैसे कि मार्केट ने क्या किया, इससे नीचे क्लोजिंग दे दी। अब ये वर्क करेगी लाइक अ सिंगल कैंडल जोन, ये वाला जो है आपका, ये क्या है, सिंगल कैंडल जोन है। इधर जब भी मार्केट आएगी तो हमें क्या करना है, अपना ट्रेड को लेना है। मे भी क्या हो सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, आपके साथ ले ले, जैसे नीचे अर्ली और ये, और मे भी थोड़ा टाइम लगा फिर ले। बट अगर सेशन का लो ब्रेक कर देता है, मान लीजिए मार्केट क्या करता है, आपके सेशन के लो को ही ब्रेक कर देता है, देन हम क्या करेंगे, ट्रेड से बाहर इसमें हो जाएंगे। ओके, इसका मैं कलर अलग कर देता हूँ, सिंगल कैंडल जोन का, सिंगल कैंडल जोन का हम कलर अलग कर लेते हैं थोड़ा, वेट अ मिनट। ओके ठीक है, तो ये सिंगल कैंडल वाला जोन है हमारा, इसमें भी हम पेंडिंग ऑर्डर्स में भी इधर क्या कर सकते हैं, अपन पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। इससे स्टॉप लॉस सेफर साइड रखना, मे भी आपको यहाँ रखना है या यहाँ आप रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। बट मैं आपको थोड़ा बोलूंगा कि यू टेक अ सेफर साइड, थोड़ा सेफर साइड ही रखो अपना स्टॉप लॉस, बट टारगेट विल बी सेम अपना, ये लो दिस इज आवर अनमिटिगेट जोन। फिर क्या है, नीचे का प्रॉपर डिमांड क्या है हम लोगों का, अनमिटिगेट डिमांड है इधर, यहाँ तक हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। अब दूसरी एंट्री हम कब लेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर एस टू डी, जिस तरीके से हमें देगा मार्केट किसी भी वे से दे, तो हम अपनी एंट्री लेंगे या फ्लिप एंट्री दे, काफी टाइप्स की हमारी एंट्रीज होती है। तो अभी हम फाइंड करते हैं कि कौन सी हमें एंट्री मिलती है। तो इधर अगर इसका लो हम चेक करेंगे, वेयर इज अवर फर्स्ट लो, दिस इज अवर फर्स्ट लो, इसको ब्रेक करेगा, दैट्स कॉल्ड चेंज ऑफ करेक्टर। तो हम वेट करते हैं, अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया, इसका डिमांड को क्या किया मार्केट ने, सपोर्ट लिया है। इस वाले डिमांड को क्या किया मार्केट ने, सपोर्ट लिया है। इस वाले डिमांड का मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, 1 मिनट। सपोर्ट लेने के बाद अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है हमारा आगे। ओके, अब क्या हो गया, इधर अगर हम इधर ध्यान से देखेंगे, D2S एंट्री हमारे पास क्रिएट होती है, मार्केट ने क्या किया, सप्लाई क्रिएट कर दी। इधर मार्केट ने क्या किया, सप्लाई को क्रिएट कर दिया, इधर मार्केट ने क्या किया, हमारी सप्लाई क्रिएट, ये क्या था, डिमांड टू सप्लाई। बट अगर मार्केट कब लेना है इसमें ट्रेड, जब मार्केट क्या करे, नीचे इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, देन वी कैन टेक अ डायरेक्ट ट्रेड। बट अगर नीचे कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं और मार्केट ऊपर आ रही है ऐसे, तो हम इधर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट है, इसको हिट करा है, तो ऊपर वाला मिटिगेट जो जोन है उधर हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड को लेंगे।
तो अभी हम फिलहाल देखते हैं मार्केट क्या करता है, कोई इंगेजमेंट क्रिएट करता है या नहीं। ओके ओके, कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं करा, तो ये क्या था आपका लाइक का एसएमटी, बिकॉज दिस इज आवर इंड्यूसमेंट एंड विदाउट इंड्यूसमेंट वी कैन टेक नॉट अ ट्रेड, मतलब बिना इंड्यूसमेंट के हम ट्रेड ही नहीं ले सकते। तो विदाउट इंड्यूसमेंट हम ट्रेड नहीं लेंगे, तो ये क्या था हमारा एसएमटी, और ये ऊपर वाला जोन क्या है हमारा प्रॉपर वे से, और यहाँ पे क्या हुई हमारी सिंगल कैंडल एंट्री भी लग गई, बिकॉज अभी तक किसी भी मार्केट ने किसी भी कैंडल ने इस कैंडल को टच ही नहीं किया था। अगर यहाँ से ले लेती देन हम इधर ट्रेड लेते थे, बट मार्केट ने क्या किया टैप ही नहीं किया, और ये क्या बन गया हमारा डिमांड वाली एसटूडी वाली एसटूडी विद इंड्यूसमेंट क्या बन गई हमारी ट्रेड बन गई है, डिमांड टू सप्लाई विद इंड्यूसमेंट, फिलिप एंट्री विद इंड्यूसमेंट, हमारी ये ट्रेड एक्टिवेट हो गई है। देन ये हमारी क्या लग चुकी है अभी ट्रेड इधर लग गया। तो हम सिंपल वे से देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। ओके, अभी अगर हम इधर देखेंगे अगेन मार्केट ने क्या किया है हमारा लो को ब्रेक कर दिया, हमारे लो को ब्रेक कर दिया, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्मॉल टाइम फ्रेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है हम लोगों को, इधर क्या हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका इंड्यूसमेंट किधर, अगर हम इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे वेयर इज इंड्यूसमेंट, तो ये इसका क्या है इंड्यूसमेंट है, ये क्या है इसका इंड्यूसमेंट, ये है इसका इंड्यूसमेंट, बिकॉज दिस इज इनसाइड इट, इस कैंडल के क्या है ये सारे इनसाइड है, तो ये कोई पुल बैक नहीं है, ये इंड्यूसमेंट है एंड इंड्यूसमेंट से ऊपर वाला जोन है। तो इधर भी हम क्या करेंगे अगेन एक सेलिंग लेवल देख सकते हैं, अगर मार्केट इधर आता है देन वी कैन टेक अगेन ट्रेड। तो हम सिंपल सा वेट करते हैं, ये अगर कुछ नया इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा देन उस हिसाब से हम मूव ऑन करते हैं। तो हम देखते हैं अभी तो मार्केट किस तरीके से अभी मूव करता है, तो जनरली हम वेट कर रहे हैं, अभी तक लो से है तो इंड्यूसमेंट यही है, तो अभी हम देखते हैं मार्केट क्या मूव करता है। ओके, इंड्यूसमेंट आपका शिफ्ट हो गया है यहाँ, ठीक है, लास्ट इंड्यूसमेंट से ऊपर वाला भी क्या है हमारे पास ये एक और जोन क्रिएट हो गया है, ये एक और क्या हो गया हमारे पास जोन इधर क्रिएट हो चुका है। तो इधर दो जोन हमारे पास है, फर्स्ट दिस जोन एंड सेकंड वन दिस जोन, दो जोन हमारे पास है। अब हमें ट्रेड कैसे लेना, दिस इज इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा एक एडिशनल कंफर्मेशन लेना, डिसीजन जोन है एडिशनल कंफर्मेशन, जैसे कि हमें क्या लेना पड़ेगा इधर सिंगल कैंडल बेस पे एंट्री मिलेगी, अगर इधर कोई सिंगल कैंडल एंट्री बनी तभी, और इधर हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर ऊपर कोई अनमिटिगेट जोन ही नहीं होता तो इधर हम क्या करते डायरेक्ट ट्रेड इस लेवल पे ले लेते, बट जैसे कि ऊपर हमारे पास जोन है तो हम वेट करें कि मार्केट क्या करे यहाँ पे, या तो सिंगल कैंडल दे या इसको ब्रेक करे, और इधर हम क्या करेंगे डायरेक्ट ट्रेड लेंगे, बट इधर हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते। तो जनरली हम देखते हैं अभी मार्केट क्या कर रहा है। ओके, मार्केट ने क्या किया इसमें टैप कर लिया, अब इधर आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी बिकॉज ऊपर का जोन अनमिटिगेट है, इधर हमें वेट करना है मार्केट क्या करे। अब जैसे कि इसने स्वीप कर लिया, इससे नीचे नेक्स्ट कैंडल क्या दे हमें क्लोजिंग दे, नहीं हम क्या देखेंगे ओके नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा इससे नीचे क्लोजिंग दे दी, आप ये क्या बन गया हमारा सिंगल कैंडल वाला जोन, और इधर हम क्या करेंगे अपनी ट्रेड को इस लेवल पे हम अपना ले सकते हैं इस वाली लेवल पे, और ये हो गई हमारी सिंगल कैंडल एंट्री इधर अगेन, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर साइड, टारगेट विल बी सेम सिचुएशन का लो। ओके, तो अभी देखते हैं मार्केट क्या मूव करता है। ओके, देखो लिटिल बिट हमारी क्या होगी एंट्री मिस हो गई, लिटिल बिट क्या हो चुकी है हम लोगों की एंट्री इस लेवल पे मिस हो गई है। तो चलो आगे की तरफ देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है मूव। ओके, टारगेट टारगेट क्या हुआ हमारा हिट हो चुका, आप देख सकते हो हमारा क्या हो चुका टारगेट हिट, आप देख सकते हो काफी अच्छी अच्छी एंट्री मिली है, 1:5 R, 1:7 R एंड 1:3 R, तो मतलब आपको कितना मिला 15 RR सिर्फ सेशन लिक्विडिटी में, क्या मिला आपको 15 RR की क्या मिल गई आपको एक ट्रेड मिल गई है सेशन लिक्विडिटी में, जस्ट सेशन लिक्विडिटी में आप लोगों को क्या मिल गई 15 RR की ट्रेड। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, 15 RR एक ट्रेड पे आप लोगों को 15 RR भी बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बड़े बड़े लेवल्स पे आप लोगों को ट्रेड मिलेगी 15 RR, ऐसा आपको ऐसे छोटे छोटे मल्टीपल एंट्रीज पे भी मिलती है,
मल्टीपल एंट्री आपको क्या करना है, स्टेकिंग पे डालना है, देन आपको क्या मिलती है, एंट्रीज मिलती है। ओके, तो इधर अगर हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे वैसे कंप्लीट हो चुका है, बट आपको अगेन एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो सिंपल सा, मार्केट का ये क्या था, एशिया का हाई, पहले एशिया का हाई छोड़ो, ये याद रखो, ये गया आपका एशिया बाय, ठीक है, लंदन गया आपका बाय, तो न्यूयॉर्क क्या आएगा आपका सेल, ये चीज आपको याद रखनी। दूसरी क्या याद रखनी है, अगर आपका लंदन सॉरी एशिया सेल है और लंदन बाय गया, न्यूयॉर्क क्या जाएगा आपका अगेन बाय, मतलब एक सेशन उल्टा जाएगा, ठीक है, तीन में से एक ना एक सेशन क्या जाएगा आपके उल्टा आपके जाएगा ही जाएगा, एक सेशन आप लोगों को उल्टा जाता, मतलब उसको बोलते हैं किलिंग सेशन। ये चीज याद रखनी है कि वन सेशन किलिंग सेशन होता है जो मैनिपुलेट करता ही करता दो के उल्टा जाता है। ओके, ये चीज याद रखनी। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, अगर ये एशिया का हाई है, ये एशिया का हाई है, अपर वाला क्या एशिया का हाई था, और कैंडल क्या करती है इसको स्वीप नहीं करती, लंदन सेशन क्या करते है स्वीप नहीं करता, ऊपर जाता है नीचे क्लोजिंग देता है और जस्ट ऊपर क्या मारता है, विग मार के आता है, ऊपर क्या मार के आता है इस तरीके से विग मारता है, इस तरीके से विग दे के आता है ऊपर, तो आपको क्या करना है जनरली इस वाले कैंडल पे इसकी जो विग थी ये क्या बन जाएगी आपकी एक्ट लाइक अ पीआई, ये क्या वर्क करेगी आपकी एक्ट लाइक अ पीआई, मार्केट इधर आएगी, देन यू कैन टेक अ ट्रेड इस लेवल पर डायरेक्ट, और जैसे आपको एंट्रीज बताई थी सिंगल कैंडल के ऊपर, और ट्रेड लेना है इसका एटलीस्ट इस वाले लेवल तक, ठीक है, ये करना। और दूसरा क्या, तीसरी बात क्या याद रखनी है, अगर कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देता है, कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे रहा, देन यू कैन वेट कि मार्केट क्या करे, एटलीस्ट इंड्यूसमेंट ले एक बार, आफ्टर टेकन आउट इंड्यूसमेंट देन हम इधर चेक करते हैं जो सीनेरियो जिस तरीके से हम क्या करेंगे फिर इधर बाय करेंगे और यहाँ तक टारगेट लेंगे। ये तीन बच्चा चार बातें आपको याद रखनी है। और दूसरी एक और बात क्या याद रखनी है, लास्ट एंड फाइनल जो सबसे मेन है, इससे ऊपर तो अगर मार्केट क्या करता है लंदन के हाई से ऊपर स्विप करता है कुछ, एक कैंडल ऊपर जाती है नीचे क्लोजिंग एक भी मार देते हैं, यू कैन टेक अ डायरेक्ट ट्रेड डेफिनेटली फॉर सेलिंग, बिकॉज तीसरा सेशन क्या होगा आपका मैनिपुलेट करेगा, बिकॉज एशिया बाय लंदन ऑल्सो बाय, तो न्यूयॉर्क क्या होगा आपका सेल होगा, क्लीनिंग सेशन ये बनेगा, ठीक है। अगर स्वीप करता है तो सिग्नल तो मिल रहा है साथ साथ आपका सेलिंग करने का, बट अगर ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देता है, ऊपर कैंडल क्लोज देता है देन तब आपको बाय नहीं करना कि आप सोचो कि इधर जो भी इंड्यूसमेंट होगा अब इंड्यूसमेंट लेगा हम बाय करेंगे, आपको देखना है कि मार्केट में कोई इधर प्रीवियस कोई अनमिटिगेट सप्लाई हो कुछ भी जोन हो या यहाँ पे कोई सिनेरियो बनता है एंटी स्टैक मॉड्यूल, देन आप लोगों को क्या करना है इधर से सेलिंग ही लेना है, चाहे क्लोजिंग अगर ऊपर करता है तो वो बाय नहीं जाएगा, मतलब वो सेल आपको देगा, बिकॉज एक सेशन क्या करता है आपके किलिंग सेशन होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि मैं आपको आज क्या बताना चाह रहा था, लिटिल बिट ये वीडियो हार्ड है, आप इसको दो तीन बार रिप्ले करके देखो तो आप लोगों को इजी वे में क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए आप लोग उसका कमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कमेंट होगा हम उस पर नेक्स्ट टॉपिक अपना लेके आते हैं। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है सेशन इक्विलिटी, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर।